शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे रोज़े और रमज़ान के बारे में। रोज़ा इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। रमज़ान का महीना कमरी महीने का 9वां महीना है। कुरान और हदीस में इस महीने की बड़ी फजीलत और सवाब आया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े सिर्फ अल्लाह ताला के वास्ते सवाब समझ कर रखे तो उसके सब अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बिला उज्र रोज़े ना रखने वाला शख्स गुनहगार होगा। रिवायत में है कि रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के तले दस्तरखान चुना जाएगा। वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग अभी हिसाब में फंसे होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खाना खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब ही में फंसे हैं। उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते थे। रमज़ान शरीफ के रोज़े हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, सिवाय पागल और नाबालिग और मुसाफिर या कोई बीमार हो या हैज़ वाली औरत और बीमार को चाहिए कि जब वो सेहत याब हो तो छूटे हुए रोज़े रखे, और मुसाफिर को चाहिए कि सफ़र के ख़त्म होने पर कज़ा रोज़े रखे। रमज़ान के तीन अशरे होते हैं। पहला अशरा 10 दिन का, पहले 10 दिन का, यह अशरा रहमत का है। दूसरा अशरा दूसरे 10 दिन का, यह अशरा मगफिरत का है। तीसरा अशरा तीसरे 10 दिन का, यह अशरा जहन्नम से नजात और खलासी का है। रोज़े का वक्त सुबह सादिक यानी फजर की अजान से लेकर सूरज गुरूब तक यानी मगरिब की अजान तक रहता है। सुबह सादिक से पहले कुछ खा पी लेना सुन्नत है और इसकी बहुत फजीलत हदीसों से वारिद है। अगर पेट भरा हो या खाने का मन ना हो तब भी एक या दो लुकमा खा लेना चाहिए, सहरी में बरकत होती है। रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। सहरी में उठे तो नियत कर ले, सुबह से दोपहर के दरमियान नियत करना ज़रूरी है। सहरी की दुआ यह है, बिसोमी गदिन नवाइतु मिन शहरी रमज़ान। रोज़े के दौरान खाने या पीने से रोज़ा टूट जाता है। हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू खाने से रोज़ा टूट जाता है। दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या उससे ज़्यादा थी और उसे खा गया या मुंह से निकाल कर फिर खा गया तो रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली करते वक्त पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ा रहा था और दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। मुँह में थूक जमा करके निगल लिया तब भी रोज़ा टूट जाता है। मुंह में ज़बरदस्ती हाथ डालकर क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा याद ना हो और भूले से खा पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटता। मक्खी, गर्दो गुबार या धुआं हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। या दांतों से खून निकला और निगल गया पता नहीं चला तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। एहतलाम हुआ और दिन भर नापाकी की हालत में रहा तो रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता नापाकी का गुनाह होगा। किसी औरत का खाविन सख्त हो और खाने में नमक की वजह से गुस्सा करता हो तो बीवी को जायज़ है कि खाने में नमक पता करने के लिए ज़ुबान पर नमक मालूम करे और फिर थूक दे, इससे रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। मुँह में रबर या कोई चीज़ का चबाना या डाले रखना, गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, भूख की शिद्दत का जिक्र करना, मुंह में थूक जमा करना, टूथब्रश या कोयले से दांत साफ करना, इन सब से रोज़ा मकरूह होता है। रोजे के खोलने से 15 से 20 मिनट पहले ही इफ्तारी को अपने सामने लेकर बैठ जाना चाहिए। हदीस में है कि इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। इफ्तार के वक्त खूब दुआएं मांगने का अहतमाम करें। जब इफ्तार का वक्त हो जाए तो ताखिर ना करें, तुरंत रोज़ा खोल ले। हजूर या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। इफ्तार की दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु
وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْتَرْتُ। اے اللہ میں نے تمہارے لیے روزہ رکھا اور مجھے تم پر یقین ہے اور میں نے تم پر اپنا بھروسہ رکھا۔ تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح رمضان کا چاند ہو جانے کے بعد شوال کے چاند تک پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز کل 20 رکعت یا کچھ اور روایتوں کے مطابق 8 رکعت ہے، لیکن 20 رکعت کا پڑھنا زیادہ روایتوں سے ثابت ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کا پورا کرنا سنت ہے۔ آخری عشرے میں 21 رمضان سے 29 رمضان کے چاند تک اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ شب قدر کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے شب قدر کی تلاش 5 تاک راتوں میں کرنے کو کہا ہے، یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 کی شب کو۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔